सभी को नमस्कार और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको जंगल में रहने वाले एक लालची शेर की कहानी बताने जा रहे हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और क्रोध किसी के पतन का कारण बन सकते हैं। बहुत समय पहले एक जंगल में एक लालची शेर रहता था जो अपने भोजन के लिए कई जानवरों को मारता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और लगातार डर में रहते थे। एक दिन जानवरों ने शेर के पास जाने और अनुरोध करने का फैसला किया। उन्होंने शेर से कहा, हे पराक्रमी शेर, हमारा एक निवेदन है। अगर आप सहमत हैं तो हम आपको हर दिन एक जानवर भेजेंगे ताकि आपकी भूख पूरी हो और हमें भी जीने का मौका मिले। शेर लालची होने के कारण उनके अनुरोध पर सहमत हो गया। इसलिए हर दिन एक जानवर शेर के पास भेजा जाता था। एक दिन शेर के पास भेजे जाने के लिए बुद्धिमान खरगोश की बारी थी। खरगोश ने शेर के पास जाने के लिए अपना समय लिया, जिससे शेर नाराज हो गया। शेर ने खरगोश के न आने पर अगले दिन सभी जानवरों को मारने की कसम खाई। खरगोश आखिरकार शेर के पास पहुंचा और शेर उससे बहुत नाराज था। खरगोश ने शेर को बताया कि रास्ते में वह दूसरे शेर से भागने में कामयाब रहा। शेर बहुत गुस्से में था और उसने खरगोश को उसे दूसरे शेर के पास ले जाने के लिए कहा। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं की ओर ले गया। शेर ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और सोचा कि यह दूसरा शेर था। वह दहाड़ा और कुएं में कूद गया, यह सोचकर कि वह दूसरे शेर से लड़ सकता है। शेर डूब गया और खरगोश ने लालची शेर से सभी जानवरों को बचा लिया। निष्कर्ष: लालची शेर की कहानी हमें सिखाती है कि लालच और क्रोध किसी के पतन का कारण बन सकता है। हमें उम्मीद है कि आपने इस कहानी का आनंद लिया होगा और इससे एक सबक सीखा होगा। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।